जब भी कोई व्यक्ति होम लोन लेता है तो ऐसे में एक सवाल आता है कि वो जो लोन ले रहा है उस लोन का टेन्योर कितना रखना चाहिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए या फिर 30 साल के लिए। बहुत सारे लोगों का मानना है कि यह जो टेन्योर है यह कम से कम होना चाहिए। जितना कम आपका टेन्योर होगा उतनी जल्दी आप लोन की रिपेमेंट करेंगे। और ऐसे में जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस टेन्योर को कम कर लेते हैं। अब टेन्योर कम होने से नुकसान क्या है, आपकी जो ईएमआई है वो बढ़ जाती है और कई बार फाइनेंशियल बर्डन इतना हो जाता है वो ईएमआई आप पे नहीं कर पाते हैं और आपका जो लोन है उसमें डिफॉल्ट हो जाता है और आपको जो है बहुत तरह के जो है कॉम्प्लिकेशन जो है वो झेलने पड़ते हैं। लेकिन मेरा मानना इसका ठीक विपरीत है कि अगर आपका जितना ज्यादा से ज्यादा टेन्योर होगा उतना ज्यादा आपको जो है फायदा होगा, उतनी अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग विद सीए मनोज गुप्ता, एक बार फिर हम बात करेंगे कि किस तरह आप जो है होम लोन का टेन्योर इंक्रीज कर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, अपना ज्यादा से ज्यादा फायदा कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें एक होम लोन की, जहां पर 50 लाख रुपए का होम लोन लिया गया और जो टर्म है वो 20 साल रखा गया, और ऐसे में जो उसकी ईएमआई आती है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है तो ईएमआई आपकी आती है 44,986 रुपये। आप जो टोटल पेमेंट करते हैं इन ईएमआईज के अकॉर्डिंग, वो पेमेंट जो है 50 लाख रुपए तो आप प्रिंसिपल की पेमेंट करते हैं और इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं 57,96,711 रुपीज, 57,96,711 रुपए की। तो इस तरह आप जो टोटल पेमेंट करते हैं 1,07,96,711 रुपये। अब अगर हम इसी लोन को रिस्ट्रक्चर करें और यह लोन का जो टेन्योर है हम 25 साल लेकर चले, तो ऐसे में 25 साल के टेन्योर के लिए आपकी जो ईएमआई होगी एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 41,960 रुपये मंथली। तो यहां पर आपका जो ईएमआई में डिफरेंस होगा वो है 3,026 रुपये मंथली, कि आपको जो है 3,026 रुपये जो है ईएमआई कम पे करनी होगी अगर आपका टेन्योर 5 साल से बढ़ जाता है। ऐसे में अब आप जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो होगा 75,87,945 रुपये। जी हाँ, अब आप कंपेरेटिवली ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे जो है अगर आपका लोन का जो टेन्योर है वो इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट आप ज्यादा पे करेंगे वो अराउंड जो है 17,91,000 है, 17,91,000 रुपये के आसपास आपका जो इंटरेस्ट है वो आप ज्यादा पे करेंगे, जबकि आपकी ईएमआई सिर्फ 3,026 रुपये मंथली कम होगी। तो अब ऐसे में लोगों को लगता है कि आपका जो टेन्योर होना चाहिए वो कम होना चाहिए, जिससे आपका ये 17 लाख रुपए का 18 लाख रुपए का ब्याज क्या हो सकता है, बच सकता है। लेकिन अगर आप इन्हीं 3,026 रुपये को जो आपने सेव किए हैं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं 20 साल के लिए मंथली बेसिस पर जो भी आप अमाउंट सेव कर रहे हैं, तो अगर हम एक एवरेज रिटर्न लेके चले 12% की, अगेन मैंने यह मिनिमम रिटर्न ली है 12% की, जो म्यूचुअल फंड्स है वो 15% 18% तक की रिटर्न्स आपको देते हैं, लेकिन हम एक लोअर साइड भी रिटर्न अगर लेके चले 12% की, तो आपकी जो मेच्योरिटी अमाउंट होगी उसमें जो आपको रिटर्न मिलेगी वो अराउंड जो रिटर्न होगी वो 22 लाख रुपीज के आसपास होगी। तो इसका मतलब आप जो है 5 लाख रुपए के आसपास जो है सेव करेंगे। आप इंटरेस्ट जो पे करते 17 लाख 18 लाख रुपए का ज्यादा, लेकिन वो जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड्स में उसको जो आपको रिटर्न मिलेगी वो मिलेगी 22 या 23 लाख रुपए के आसपास। तो हमारा यहाँ पर 5 लाख रुपए के आसपास जो है वो अमाउंट जो है बच जाता है और बेनिफिट हमें मिल जाता है। और यही जो आपकी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट है अगर इस पर 15% का जो है आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो ऐसे में आपकी जो सेविंग्स होगी, आपको जो रिटर्न मिलेगी वो इंटरेस्ट से भी 21 लाख रुपीज ज्यादा मिलेगी। आपको अराउंड 38 लाख रुपीज के आसपास की रिटर्न मिलेगी, जिसमें से आपका इंटरेस्ट भी अगर आप जो है लेस कर देते हैं तो आपको अराउंड 21 लाख रुपीज ज्यादा मिलेगी। तो ये बेसिकली आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग सोच सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग तभी सक्सेस है जब आप अच्छे से मेंटेन करें। बहुत बार ऐसा होता है आप जो है किसी प्लानिंग के लिए जाते हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद उस प्लानिंग को आप ब्रेक कर देते हैं, तो जब आप उसको ब्रेक करते हैं तो ऐसे में जो है
उसके जो आप रिजल्ट देखना चाहते हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिलते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और लॉन्ग टर्म में ही सक्सेस होगी अगर आप इसको अच्छे से मेंटेन करेंगे। तो वो लोग जो कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा जो टेन्योर है वो कितना होना चाहिए, तो उनके लिए सबसे पहले उन्हें यह देखना है कि उनकी जो मंथली लिक्विडिटी है, जो मंथली क्रंच है, वो कितना है। क्या वो मंथली 3,026 रुपये जो है ज्यादा पे करना चाहते हैं और अपना जो इंटरेस्ट सेव करना चाहते हैं, या फिर टेन्योर इंक्रीज कर 3,026 रुपये वो बचाएं और उसको जो है वो अपना SIPs में यूज करें। अगर वो म्यूचुअल फंड्स में यूज करते हैं 12% 15% तक की भी अगर रिटर्न मिलती है, तो ऐसे में ये एक जो है बेनिफिशियल जो स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन ध्यान रखें, आपको मंथली बेसिस पर वो पैसा इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपने उस पैसे को कहीं और यूज करना शुरू कर दिया, अपनी डेली नीड्स में आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया, कंज्यूम करना शुरू कर दिया, तो ये नो डाउट आपके लिए एक घाटे की स्ट्रेटेजी होगी, एक लॉस की स्ट्रेटेजी होगी। तो वो लोग जिनको लगता है कि हाँ वो जो है लॉन्ग टर्म के अंदर जो है इस स्ट्रेटेजी को मेंटेन कर सकते हैं और इस स्ट्रेटेजी से पीछे नहीं हटेंगे, तो वो ये प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन जो लोगों को लगता है कि 3,026 रुपये उनके कम तो जाएंगे, लेकिन ये 3,026 रुपये वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी और अदर नीड्स के अंदर उन पैसे को कंज्यूम कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो ऐसे में आप जो है शॉर्ट टर्म टेन्योर के लिए जाए, और अगर आपको लगता है कि आप उसको मेंटेन कर सकते हैं SIPs को, तो आप जो है लॉन्ग टर्म टेन्योर के लिए जा सकते हैं। तो आई होप यह स्ट्रेटेजी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके रिगार्डिंग फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो जरूर शेयर करें, सो दैट कि हम अपनी आने वाली स्ट्रेटेजीज के अंदर उसको इम्प्रोवाइज कर सकें। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारी ऐसी ही फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे YouTube चैनल को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस जो आपको प्ले स्टोर से जो है डाउनलोडिंग करने के लिए मिल जाती है, इंस्टॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। और डेली टैक्स अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारे जो है PDF फाइल्स PPTs जो है आपके साथ शेयर की जाती है, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और फ्यूचर रेफरेंस के लिए उनको यूज कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।